स्टडी सम इडियम्स एंड फ्रेजेस. सबसे पहला इडियम्स है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब क्या होता है? मीन्स यू कैन एन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम बाई वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days अ वीक. शी मैनेज टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. आई बात समझ में गाइस? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अंडरस्टूड एवरी वन? दो चीजों का एक ही वक्त में लाभ उठाना, उसको बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना वैभव? अगला. हाँ हुआ था, बहुत बार होता है ऐसा. नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल. इसका मतलब क्या है? स्पीक ऑफ द डेविल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपने ये सुना है शैतान गाना? हम लोग शैतान हाजिर हम लोग बोलते हैं किसी को देख के, बस वही. स्पीक ऑफ द डेविल दिस मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपियर्स एट दैट मोमेंट. दैट इज व्हाट स्पीक ऑफ द डेविल. हाई टॉम, स्पीक ऑफ द डेविल. आई वॉज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार. मतलब वो सारा आ गई सामने और उन लोग बात कर रहे थे. एनी वेज, स्पीक ऑफ द डेविल मतलब शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर ऐसे बोलते ना वो. नेक्स्ट इज सी आई टू आई. व्हाट यू मीन बाय सी आई टू आई श्रेयस? सी आई टू आई मतलब आंखों में देखना. ऐसे नहीं होता हम लोग किसी की आंखों में देख के हाँ ठीक है ठीक है ऐसे बोलते हैं. मतलब सी आई टू आई का मतलब होता है अग्रीइंग विद समवन. दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील. नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून मतलब एन इवेंट दैट हैपन्स इन फ्रीक्वेंटली. आई बात समझ में? वंस इन अ ब्लू मून मतलब एन इवेंट दैट हैपन्स इन फ्रीक्वेंटली. आई ओनली गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी तो ऐसा, कभी तो ऐसा, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून. नेक्स्ट इज वैन पिक्स फ्लाई. वैन पिक्स फ्लाई मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन. पिक कभी फ्लाई कर सकता है क्या? टेल मी गाइस, पिक कभी फ्लाई कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है ना, इसीलिए क्या होगा? समथिंग दैट विल नेवर हैपन. व्हेन पिक्स फ्लाई शील टाइडी अप हर रूम. नेक्स्ट इज टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब होता है समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, जब जो चीज कुछ बहुत ज्यादा महंगा होता है दैट इज टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग. नेक्स्ट इज फ्यूल दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. समझ में आ रहा है? आर्म एंड लेग मतलब होता है बहुत ज्यादा महंगा, महंगाई बढ़ गई बोलते हैं ना हम लोग, वही होता है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक मतलब होता है समथिंग वेरी इजी. ठीक है, समथिंग इज वेरी इजी दैट इज अ पीस ऑफ अ केक. द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ अ केक. तुम लोग बोलने वाले हो राइट? जब तुम लोग इंग्लिश का पेपर हो जाएगा तो तुम लोग यही बोलोगे कि इंग्लिश का पेपर कैसा था, पीस ऑफ केक था. नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट. आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द वेडिंग प्लान्स. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है अचानक से बातों बातों में सीक्रेट बता देना. ठीक है, नेक्स्ट इज टू फील अंडर द वेदर. टू फील अंडर द वेदर मतलब होता है टू नॉट फील वेल. जब बोलते हैं ना तबीयत ठीक नहीं लगती हम लोग को तो तब हम लोग बोलते हैं टू फील अंडर द वेदर. आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टूडे. आई हैव अ टेरेबल कोल्ड. नेक्स्ट इज टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. इसको हिंदी में कुछ तो बोलते हैं हम लोग, बता सकते हो तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एक पत्थर से दो निशाना लगाना, वो बोलते ना. या गाइस जस्ट अ मिनट. हाँ, वन स्टोन इसका मतलब क्या है? आवाज आ रही है मेरी तुम लोग को? टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब होता है एक तीर से दो निशाना, वही है ये. टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस. बाय टेकिंग माय डैड ऑन हॉलीडे आई killed two birds with one stone. I got two
go away but also spend time with him. So guys, this were 10 idioms and phrases. Let's revise all of them once again. सबसे पहला क्या था, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब क्या होता है, मीन्स टू यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब दिस मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब नाम लिया शैतान हाजिर वैसा टाइप. अगला है सी आई टू आई, मतलब आंखों में देख के क्या बोलते हैं, अग्री करना. नेक्स्ट इज वंस इन ब्लू मून, कभी कभार ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, वही होता है वंस इन अ ब्लू मून. व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब होता है जो चीज़ कभी नहीं हो सकता, दैट इज व्हेन पिग्स फ्लाई. अगला था टू कॉस्ट एन आर्म एंड एन लेग, मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो. अ पीस ऑफ केक, मतलब व्हेन समथिंग इज वेरी इजी. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब होता है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट. ओके, नेक्स्ट इज टू फील अंडर द वेदर, टू फील अंडर द वेदर मतलब होता है तबीयत ठीक नहीं तबीयत ठीक नहीं लगना. टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब होता है टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस. ओके,